जय श्री राम एवरीवन, मैं हूं काजल यादव, बी एम एस सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम टीएमवी पुणे महाराष्ट्र। तो वेलकम वेलकम वेलकम। तो इस वीडियो का पहला पार्ट यानी कि ड्रेस कोड जिसमें मैंने डिस्कस किया है वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, और ये है वीडियो का सेकेंड पार्ट। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती जिससे कि आपको ज़्यादा बोरिंग ना फील हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंटरेक्ट विद योर सीनियर्स, योर टीचर्स, और कैसे आपको अपना बिहेवियर रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू इंटरेक्ट विद योर टीचर्स। जब छोटे में मतलब हमें बहुत सिखाया जाता है गुड मॉर्निंग मैम, है ना, फिर गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पर हम ऐसा कोई भी गाना नहीं गाते हैं। ठीक है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जैसे जैसे हम कॉलेज में जाते हैं ना, हमारा जो एक किसी को ग्रीट करने का तरीका होना चाहिए अपने बड़ों का, वो बढ़ना चाहिए, बट एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वो घटता जाता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कोई उतना, मतलब टीचर्स आते हैं तो कभी कभी इवन टीचर्स खुद सामने से गुड मॉर्निंग क्लास बोलते हैं, या ठीक है हम तो बोलते ही नहीं है, मतलब बच्चे नहीं बोलते हैं, तो ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, बस बट हाँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 100 लोगों की भीड़ में आप क्या करते हो वो आपको अलग दिखाता है। ठीक है, चार बंदे किसी टीचर से बैठ करके सवाल पूछ रहे हैं और आप खड़े होकर के सवाल पूछ रहे हैं, टीचर आपकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर टीचर ने कहा नहीं नहीं आप बैठ करके पूछ सकते हो, ठीक है, तो 10 बच्चे होंगे जो बैठ करके दोबारा सवाल पूछेंगे, लेकिन टीचर के ये कहने के बाद भी अगर आप खड़े होकर सवाल पूछते हो तो ये आपके घर के संस्कार और आपकी क्या आदतें हैं वो दिखाता है, और ये चीज़ें आपको बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो अपनी जो अच्छी आदतें हैं उसको कभी मत छोड़ो। तो जिस तरह से आपको टीचर्स से इंटरेक्ट करना सिखाया गया है हमेशा से, उसी रिस्पेक्ट के साथ टीचर्स से इंटरेक्ट करो। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जिसका सबसे ज़्यादा डर होता है, सीनियर्स से कैसे इंटरेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने मूवीज़ देखी होती है ना, स्पेशली मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो इंडिया में इतना ज़्यादा मतलब दिखाया गया, और कहीं ना कहीं वो ठीक ही है। रैगिंग इस हद तक होती है कि बच्चे जान देते, आप सबको पता है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, बट वो चीज़ें मोस्टली MBBS कॉलेजेस में होती हैं। जी हाँ, आयुर्वेदा कॉलेजेस में रैगिंग बहुत कम होती है, ये आयुर्वेदा कॉलेजेस का एक एडवांटेज है, एक प्लस पॉइंट है, और अगर होती भी है तो मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में कभी कभार, मतलब मैंने तो नहीं सुना इतना कि कहीं पर आयुर्वेदा कॉलेजेस में ज़्यादा रैगिंग हुई हो। देखो, आप कमेंट सेक्शन में ये मत बोलने लगना कोई आकर के कि मैंने तो देखा था कि वहाँ पर हुई थी। अरे भाई सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, यही मेरे अभी एक लास्ट के वीडियो में हुआ था जो मैंने नागपुर और TMV के बारे में पोस्ट किया था। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि भाई तुमने तो गलत बताया। ठीक है, हालांकि वो अलग बात है, तो मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके भी बोला कि तुमने गलत बताया है, लाइक TMV इज बेस्ट। अरे भाई मेरा कॉलेज है और मैं अपने कॉलेज को डिफेम क्यों करूंगी। जैसा कि आप लोगों ने अगर वीडियो ध्यान से देखी है तो मैंने उसमें शुरू में भी कहा है, लास्ट में भी कहा है, दैट अगर आप GSE नागपुर और TMV का कंपेरिजन कर रहे हो तो आप कंपेरिजन गलत कर रहे हो यार। इन दोनों कॉलेज का कोई कंपेरिजन ही नहीं है। हमारा कॉलेज अपने आप में बेस्ट कॉलेज है, टॉप रैंकिंग का कॉलेज है हमारा। ठीक है, मैंने सिर्फ फैक्ट्स बताया, और अगर मैं उस टाइम होती तो मैं क्या चूज़ करती, मैंने सिर्फ वो बात बताई। तो इसमें इतना हाइपर होने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब वही बात है कि अब ये मत कहने लगना कि अरे मैंने तो देखा था, मैंने तो वहाँ की स्टोरी सुनी है, उस आयुर्वेदा कॉलेज में तो ऐसे रैगिंग हुई थी। ठीक है, तो मैं बस ये कह रही हूँ कि आयुर्वेदा कॉलेजेस में रैगिंग का रेट कम है। TMV में जितने लोग एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि मैं पर्सनली यहीं की स्टूडेंट हूँ तो मुझे यहाँ का पता है, हमारे यहाँ रैगिंग नहीं होती है। ठीक है, हमारा कॉलेज, हमारा हॉस्टल रैगिंग फ्री कैंपस है। ठीक है, बॉयज़ में थोड़ी बहुत होती है, वो भी मजाक होता है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ी बहुत मस्ती करने के लिए होता है। ठीक है, इतनी कोई सीरियस रैगिंग वाली बात नहीं है, तो आप सबको खुश होना चाहिए जितने भी लोग हमारे कॉलेज यानी कि TMV में आ रहे हैं। तो अभी सीनियर से कैसे इंटरेक्ट करना है, मेन उस पॉइंट पर आते हैं। देखो, हमने जब एडमिशन लिया था तो हमें ये बताया गया था कि आपको अपने किसी भी सीनियर को दीदी भैया नहीं बोलना। ठीक है, हम जब स्कूल में होते हैं तो मान लो कि मैं 6th में हूँ तो मैं 7th-8th के लड़कों को या फिर लड़कियों को क्या बोलूँगी, दीदी भैया, है ना, तो वहाँ पर चलता है। बट आप क्योंकि जब BMS में आ रहे हो तो मतलब आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आ रहे हो। ठीक है, और प्रोफेशनल कोर्स में किसी को अंकल आंटी भैया दीदी बोलना नहीं अच्छा लगता। आप जिसको भी ग्रीट करो आप सर या मैम बोलकर ही ग्रीट करो। ठीक है, तो हम जब यहाँ पर आए थे तो हमारे सीनियर्स ने हमें यही बताया था कि आपको अपने किसी भी सीनियर को दीदी या भैया नहीं बोलना है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो आपको अलाउ नहीं करें। तो जैसे कि मुझे बहुत लोग मैम बोलते हैं, मैं बोलती हूँ भाई तुम बस मुझसे बदतमीजी मत करो। ठीक है, मेरा नाम भी ले लो चलेगा, और दीदी बोलो तो वो ज़्यादा ही बेटर है। ठीक है, मैम नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई प्रोफेसर नहीं हूँ कि तुम मुझे मैम बोलो। ठीक है,
तो ये अपनी चॉइस होती है कि सामने से वो सीनियर, मतलब अगर आप उनके ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हो, आप उनको पसंद आने लगते हो या फिर आपकी उनसे ज़्यादा बनने लगती है, तो फिर सीनियर्स कुछ कुछ इतने स्वीट होते हैं कि वो खुद से बोलते हैं कि यू कैन कॉल मी दी और भैया। लड़के तो वैसे नहीं बोलते हैं कि तुम मुझे भैया बोलो, खैर वो अलग मैटर है। हमारा 1.5 साल का अभी एक प्रोफेशनल ईयर है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब तक एक टाइम पर क्या होता है, जैसे कि हमारे ही कॉलेज में एक टाइम पर दो बैचेस होती हैं जो कि सेम ईयर में होती है। लाइक अभी हम लोग सेकेंड ईयर में आए हैं और हमारी जो सीनियर बैच है वो भी अभी सेकेंड ईयर में है, बट वो हमसे 2 टर्म आगे हैं और हमारा सेकेंड ईयर अभी शुरू हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों की ऐसी मैंटेलिटी होती है कि यार ये भी तो सेम में ही है, मतलब मैंने अपने बैच के ऐसे बहुत सारे बच्चों की मैंटेलिटी ऐसी देखी है। वो आपस में बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि यार क्या यार, 2 टर्म ही तो हमसे सीनियर है, इनको इनके क्या रिस्पेक्ट करना, या कौन सा बहुत बड़ा इन्होंने तीर मार लिया। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। 2 टर्म सीनियर होना बहुत बड़ी बात होती है, उनको आपसे 2 टर्म ज़्यादा नॉलेज है, उनको आपसे ज़्यादा पता है। तो अपनी मेंटेलिटी चेंज करो, सिर्फ सामने दिखाने से कुछ नहीं होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे सर करके नीचे रहना है, ठीक है, और आपको सामने नहीं देखना है, ठीक है। बस आपका एक क्या है कि आपका बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी होनी चाहिए कि लाइक सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा ईगो में हो, है ना, आप सामने वाले को कुछ समझ नहीं रहे हो। इससे क्या होता है कि कभी कभी जिसको बुरा नहीं लगना होता उसको बुरा लग जाता है और फिर बिना बात के आपके में और सीनियर में दुश्मनी बनती है, ठीक है। तो आपको सीनियर के साथ लाइक ऐसे हाथ पीछे करके ऐसे नहीं खड़ा होना, ठीक है, कि आपके पैर फैले हुए हैं दोनों और आप हाथ पीछे करके ऐसे करके एकदम चौड़े होकर के उनको देख रहे हो, ठीक है। ये सब क्योंकि मैंने देखा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट आपको पता है सीनियर्स हर कुछ नोटिस करते हैं, ठीक है। तो आपको किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना है, ठीक है। आपको एक टिप देती हूँ, बस किसी भी सीनियर को देखो तो उनको गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो और प्यार से बोलो, ठीक है। मतलब जब वो आपके सामने से निकलेगा तो सिर्फ थोड़ा सा स्माइल करके उन्हें ग्रीट कर दो, दैट इज़ इनफ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं इगोइस्टिक होते हैं, उनको मतलब वो अलग ही है, अभी उनका क्या कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही चाहिए होता है, ठीक है। और ये सब सिर्फ कुछ टाइम की बात होती है, धीरे धीरे क्या होता है जब उनसे आपकी मतलब फ्रेंडशिप हो जाती है, एक लेवल तक बनने लगती है, ठीक है, फिर आप फिर कंफर्टेबल हो जाते हो। शुरू में आपको लगता है कि यार ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती कराई जा रही हैं या फिर नहीं हो रहा है मुझसे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सामने वाले को देख करके रिस्पेक्ट आ रही है तो आप ये खुद से करोगे, नहीं भी आता है तो यार ठीक है ना, थोड़ी सी आदत बनाओ, ठीक है। वैसे भी सीनियर हैं तो अभी क्या होता है किसी किसी टीचर को हम नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या उनके सामने हम बोलते हैं कि हम तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वी शुड टॉक टू देम रिस्पेक्टफुली बिकॉज दे आर सीनियर्स। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने में कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है, और प्यार से करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस तुम्हें कह दिया गया है तो तुम बस ऐसे बोल दे रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि फेंक के मार रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार से बात करो, एक स्माइल से, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। लाइक कभी आप कॉलेज में हो, कहीं पे मान लो आप पानी पीने के लिए भीड़ लगी हुई है, खाना खाने के लिए भीड़ लगी हुई है, सीनियर्स आपके पीछे हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी, मतलब ये सब आपके एटिकेट्स हैं, आप में हैं तो ठीक है, वरना इसकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कहीं गवर्नमेंट ने नहीं छापा हुआ है कि तुम जूनियर हो तो तुमको ऐसा करना ही है, आपकी मर्ज़ी है। बट अच्छाई ये कहती है कि आप उस समय उनसे कहो कि आप आगे चले जाइए, या फिर मान लो सीनियर किसी सीनियर को कोई अर्जेंट काम है, लाइक उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बट आपके नहीं चल रहे हैं, तो अभी वो क्या है कि अभी अगर वो लाइन में लगेंगे तो उनको बहुत टाइम लगेगा, तो आप उनसे बोल दो कि आप आगे जाइए। तो ये सारे ये छोटे छोटे स्वीट जेस्चर्स होते हैं ना, वो मतलब हमारी ही इमेज को अच्छा बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सीनियर से पंगा नहीं लेने का, ठीक है। नहीं लेने का मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप गिरे पड़े रहो किसी के कदमों में, ठीक है, लेकिन जितना हो सके लड़ाई झगड़े से दूर रहो, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हार्श बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है। जितना हो सके कीप योर जेस्चर स्वीट, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। ये हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी सिखाया जाता है हमको, ठीक है, जब आप TC में आते हो, कि हाउ टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन स्किल में एक ये भी चीज़ आती है, दैट ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। आई नो ये थोड़ा सा फेक है, मतलब हाउ कैन यू बी सो हैप्पी ऑल द टाइम, मतलब कभी कोई इंसान स्ट्रेस में है, टेंशन में है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपको एक स्माइल रखनी है अपने चेहरे पर, ठीक है। मतलब सामने वाले को देख करके ना आप, मतलब अगर वो थोड़ा स्ट्रेस में भी हो ना तो भी आपको देख करके उसको अच्छा लग जाना चाहिए, ऐसा आपको रहना चाहिए उसके सामने। सो इसके अलावा बाकी ऐसा कुछ भी भाई सीनियर पुराण नहीं है कहीं पर जहाँ पर लिखा हो कि आपको सीनियर के साथ कैसे बिहेव करना है। और जितना हो सके लड़ाई झगड़े से दूर रहना, क्योंकि सीनियर्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। सीनियर्स भी काम आते हैं, टीचर्स भी काम आते हैं, बट सीनियर्स ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो ये सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, ठीक है, ओके। तो दिस वॉज ऑल,
सो वीडियो शायद ज़्यादा बड़ी हो गई होगी एक्चुअली, इसलिए मैंने ऐसे ज्ञान वाले वीडियो नहीं बनाती, मतलब जो थोड़ा इस तरह से ये अलग ज्ञान वाले वीडियोज़ होते ना, मेरे को बोलने के लिए एक टॉपिक दे दो मैं 4 घंटे बोल सकती हूँ उस पर। आई एम सो सॉरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तुम 2x पे देख लेना या कट करके भी देख लेना, लेकिन आई होप जितने लोगों ने कमेंट किया था, जितने लोगों ने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था, उनको अब सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये वीडियो देख करके। एज ऑलवेज वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, इतना कुछ नहीं चाहता है, क्लिक ही तो करना है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।